कभी विधानसभा में काम न किया हो ऐसे प्रत्याशियों का हम विरोध करेंगे। सत्ता के गलियारों से लेकर ग्रामीणों की आवाज तक, जनप्रतिनिधियों के विकास से लेकर जनता की राय, आपके क्षेत्र में असल मायने में कितना हुआ है विकास, देखें हमारी सबसे बड़ी पड़ताल में। अब हर वो खबर दिखेगी जो होगी आपके मुद्दे की, क्योंकि हम दिखाएंगे आपको हर विधानसभा क्षेत्र की सही पड़ताल। तो देखिए 2022 विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ी पड़ताल, सिर्फ और सिर्फ फास्ट न्यूज भारत पर। अपना दल ऐसे मड़ियाहू विधानसभा से उम्मीदवार मैदान में उतारते ही मड़ियाहू की राजनीतिक में मचा बवाल, कहीं जले पुतले तो कहीं विरोध में लगे नारे। एक ओर जहां मौजूदा विधायक तिवारी को टिकट न मिलने से उनके समर्थक नाराज हैं, तो वहीं जो आवेदन करता है वह भी नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं मड़ियाहू विधानसभा से दावेदारी कर चुके अरविंद सिंह दारा ने कहा कि मड़ियाहू में जो कैंडिडेट पार्टी द्वारा उतारा गया है जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है, कहीं न कहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके पार्टी ने मौजूदा प्रत्याशी को टिकट दिया है, जो दुखद है। संवाद करने के बाद ये फैसला लिया कि अपना दल में आवेदन लीगली रूप से मेरी तरफ से भी होना चाहिए और मैंने आवेदन किया भी। आवेदन में लगभग हमारे हिसाब से 20 तारीख का अंतिम डेट था उनका, और करीब 14 आवेदन अपना दल यश के पास मड़ियाहू विधानसभा से गए थे, और फिर पार्टी को निर्णय लेना था। पार्टी ने कहा कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद हम टिकट की घोषणा करेंगे, तो कल टिकट की घोषणा हो गई। लेकिन मड़ियाहू क्षेत्र का दुर्भाग्य है, इस विधानसभा का दुर्भाग्य है कि इतने आवेदन होने के बावजूद भी, इतने कार्यकर्ता मड़ियाहू में सबल होने के बावजूद भी, आयतित और पैराशूट जो कहा जाता है एक शब्द का यूज़ किया जाता है, ऐसे कार्यकर्ता को हम तो कार्यकर्ता उनको मानते ही नहीं, ऐसे शख्स को जिनका नाम है डॉक्टर आरके पटेल, ये भदोही के रहने वाले हैं, उनको टिकट दिया और मड़ियाहू विधानसभा से चुनाव लड़ाने की तैयारी अपना दल ने की है। आपको नहीं लगता है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं उनको नजरअंदाज करते हुए एक प्रत्याशी उतारे हैं, इस पर क्या असर पड़ता है? ये तो दुर्भाग्य की बात है, मड़ियाहू विधानसभा में दुर्भाग्य की बात है। एक कार्यकर्ता तो हम भी थे, हम भी लगभग 10 साल से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में यहाँ जनता के बीच में और तमाम समाज सेवा के जो मेरे कार्य हैं लगातार मैं करते आया हूँ, आगे भविष्य में करते भी रहूँगा। लेकिन ये मड़ियाहू विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हम में से कोई उस लायक था ही नहीं इनके नजर में, ये बड़े दुख की बात है। आप भी बहुत छोटे छोटे हुए हैं जी, आखिर किस आधार पे, जैसे आपने कहा भी जमीनी स्तर के नेता भी रह चुके हैं भी, तो आखिर किस आधार पे जो है कि टिकट का वितरण हुआ है? अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना दल का जो गठबंधन हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनको शायद 17 या 18 सीट का ऐसा कुछ अनुमान आज की तारीख से ऐसा मुझे लग रहा है कि अपना दल के खाते में गई। और सबसे बड़ा दोष तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि जो क्षत्रिय कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, क्योंकि 18 सीट में से एक भी क्षत्रिय अपना दल ने चुनाव नहीं लड़वाया। एक क्षत्रिय पिछली बार लड़ा था प्रतापपुर की सीट से, कैप्टन करण सिंह, मात्र 1700 वोटों से चुनाव हार गया था। इस बार उसका टिकट काट करके वहाँ पे किसी ब्राह्मण नेता को जो दूसरे दल से आए थे त्रिपाठी जी, उनको दिया गया। विश्वनाथगंज की सीट इनके खाते में थी, अपना दल के खाते में थी, उन्होंने वहाँ, जबकि अगर जातिगत हिसाब से देखा जाए कि ये सारे दल कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते, और फिर ये अपने अपने भाषण में भी लोग कहते हैं सारे दल के बड़े बड़े नेता कि जाति के नाम पे वोट मत करिए, परिवारवाद के नाम पे वोट मत करिए, या परिवारवाद को बढ़ावा मत दीजिए, अपने जातिवाद को बढ़ावा मत दीजिए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मत दीजिए, तो सपा के ही तर्ज पे अपना दल भी वही काम कर रहा है जो सपा करते आई है। ये बड़े दुख की बात है।
आप देख लिए विश्वनाथगंज की सीट 80-85 हज़ार ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी अपना दल ने अपने एक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष गरीब परिवार का लड़का, उसका क्या नाम बताया हमने अभी, जीतलाल पटेल, अपने कार्यकर्ता को खड़ा किए, विश्वनाथगंज का ही कार्यकर्ता है। ठीक है, आप ठाकुर का विरोध करते हैं, ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए आपको, कोई बात नहीं। मणियाहू विधानसभा में 60 हज़ार पटेल होने के बावजूद आप पिछले 2017 में आपके दल से चुनाव जीत के 5 साल काम करने के बावजूद डॉक्टर आर के पटेल को भदोही से लाके लड़ाने का क्या उचित था? अगर आपको पटेल ही लड़ाना था तो यहाँ पे भी तो आपके कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने आवेदन भी किया था, आप उनको लड़ाते। ठीक है, आप ठाकुर विरोधी हैं और ठाकुरों को नहीं टिकट देना चाहते, हम तो भाजपाई थे ना, कहीं ना कहीं हम उनके साथ चलते थे, हम हर ताकत के साथ उनके लगते थे। अगर वो कार्यकर्ता मणियाहू विधानसभा का अपना दल का होता तो, लेकिन ये बाहर से प्रत्याशी लाके जो विधानसभा को हमको हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, अब तो पार्टी की नज़र में तो हम लोग यही समझ रहे हैं ना कि भाई हम लोग सक्षम नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, तब ना आपने बाहर से लाके लड़ा। तो बाहर से याद करिए 2017 के चुनाव में इसी भदोही जिले से बसपा ने शुक्ला जी को बसपा ने चुनाव लड़ाया था मणियाहू लाके, क्या हर्ष हुआ उनका? मणियाहू की जनता समझदार है, मणियाहू की जनता को अपने पसंद है, अपना कार्यकर्ता होना चाहिए, अपने बीच का कार्यकर्ता होना चाहिए, बाहरी कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगता है जिस तरह से भोलानाथ शुक्ला को यहाँ से वापस जाना पड़ा भदोही, उसी तरह से डॉक्टर आर के पटेल को भी मणियाहू से वापस अपने घर जाना ही होगा? आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी ने नजरअंदाज किया अपने जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं? देखिए, मैं आज साफ बात कर रहा हूँ, ये 10 दिन पहले की बात है, मैं लखनऊ था क्योंकि टिकट का दावेदारी हम भी किए थे, तो अपना दल के कार्यालय से मुझे सूचना आई, हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री, डॉक्टर आर के पटेल को ले जाके आशीष जी पटेल जो मुखिया है अपना दल के, उनसे उनकी मुलाकात करवाई। हमें जो इससे सूचना प्राप्त हुई तो हुआ कि भैया मणियाहू की सीट के लिए डॉक्टर आर के पटेल की बातचीत क्षेत्रीय मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और हमने फिर उनको फ़ोन नहीं किया क्षेत्रीय मंत्री जी को, 2 घंटे के बाद उनका फ़ोन स्वयं मुझे करते हैं, और दादा जी क्या हालचाल है हमको, बस भैया लगे हैं अपना दल में, देखिए क्या नसीब साथ देता, कहने मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम कहे भाई साहब शुभकामनाएं मुझे दे रहे हैं और भदोही से डॉक्टर आर के पटेल को ले जाके मणियाहू की सीट पर पैर भी करवा रहे हैं, ये आप लोग का ये इस तरह की विचारधारा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ज्ञानपुर के लिए उनको लेके गए थे, और दूसरे दिन सुबह मैं जाके वो क्षेत्रीय मंत्री से मिला उनके घर पे। हम कहे भैया क्या कारण है, हम लोग में क्या कमी है बताइए तो सही, कमी हम लोग सुधारेंगे, हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, बाहर के जिले के लोग आके चुनाव लड़ेंगे। कहने ना आप गलत समझ रहे हैं, ये तो मैं भाई साहब के कहने पर लेके गया था। अभी कौन भाई साहब है क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर जिसके इशारे पे आर के पटेल को मणियाहू विधानसभा की सीट दी गई? इसमें दोष आशीष पटेल जी जो मुखिया हैं उनका ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाली डंडा और झंडा ढोने के लिए है? हम इतने कमजोर हैं, हम इतने असहाय हो गए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते? अब आर के पटेल को जो लोग लाए हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू आए हैं, उन लोग आके जिता ले, में हम तो उनको भदोही वापस करने की तैयारी की है। कहीं ना कहीं दुखी हैं आप? दुखी इस बात से हूँ, अगर आप अपना दल यहाँ का लोकल कार्यकर्ता, कई नाम हैं,
जिनको मैं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे परिवार बढ़िया हूँ मैं बसा हुआ, हर आदमी अपने परिवार जो भी दावेदार थे उनको खड़ा किए होते तब इतना दुख नहीं होता था हमको। हम अपना पैसा खर्चा करते थे, अपने साधन मुहैया कराते थे, हम दिन रात लगते थे उनको जिताने के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी है। लेकिन प्रत्याशी आयातित होके आएगा, जो कभी विधानसभा में काम न किया हो ऐसे प्रत्याशियों का हम विरोध करेंगे। आप पार्टी से दुखी भी हैं क्योंकि आप जो है कि 2014 से हम पार्टी से नहीं दुखी है, आप मेरी बात समझिए, आप ब्लेम मत करिए, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम दुखी इनके नीतियों से हैं, सिर्फ योगी जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे चुनाव हम लड़ते रहेंगे? अपने अंदर हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हम नहीं लड़ सकते? कब तक योगी जी और मोदी जी के नाम को भुलाते रहेंगे नेता? क्या वजह थी कि कौन से भाई साहब थे उनके ऊपर, क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर, जिनके इशारे पे उन्होंने डॉक्टर आर के पटेल को यहाँ चुनाव लड़वाने की घोषणा करवा दी? अगर बात की जाए मरियाहों की राजनीति के बारे में, आपने कहा कि आप क्षत्रिय कुल से हैं जी, तो यहाँ क्षत्रियों की संख्या क्या होगी? देखिए आज एक बात और स्पष्ट कर रहा हूँ, इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह का षड्यंत्र मैं देख रहा हूँ रचा जा रहा है, आने वाले भविष्य में ये क्षत्रियों के लिए अच्छी बात राजनीति में नहीं होगी। अगर संख्या की बात की जाए तो कितने हो सकते हैं? क्या क्षत्रिय कितने हो सकते हैं जो मरियाहों में? जी देखिए, मरियाहों में सबसे ज़्यादा संख्या बल अगर किसी का है तो पटेलों का है, इसके बाद ब्राह्मण 45 के लगभग हैं, 40 के लगभग ठाकुर हैं, 40 के लगभग यादव हैं, 40 के लगभग हरिजन हैं। अगर आपको टिकट मिलता तो इससे फायदा हो सकता था पार्टी का और ज़्यादा? देखिए आप शायद आप पत्रकार महोदय हैं, यहाँ पे मरियाहू क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी नगर हैं, जितने भी वर्ग हैं, आप किसी वर्ग में जाइए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, आप अरविंद सिंह दारा के बारे में आप कह सकते हैं, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करूंगा। आपकी नज़र में मरियाहों की राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए था इस विधानसभा चुनाव में? बदलाव की बात तो कर रहा हूं ना मैं, अगर अपना दल भाजपा के साथ में गठबंधन में है तो अपना दल को अपने कार्यकर्ता मरियाहों के जो लोकल कार्यकर्ता है उनको चुनाव लड़ाते। चूक कहां हुई होगी? चूक जहां से हुई मैं बता दिया, ये भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री किसी भाई साहब के इशारे पे डॉक्टर आर के पटेल भदोही से लाके यहाँ मरियाहों में चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, ये कहने की बात हो गई, तो अपना दल का है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये मुझसे बातें हुई है, कभी आपसे भी वादे किए होंगे कि आपको ही मौका दिया जाएगा, कभी तो बातें ये तो कई बार वादे करते हैं, वादे तो बहुत होता है पार्टियों में, तो राजनीति का एक हिस्सा है वादा करना, और इसके बाद कोई नाराज हो जाए तो उसको जाके मनाना, बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दे देना, आपको ये कर देंगे, आपको कर दे, करते कुछ नहीं है। मैं बिना पद पे रहते हुए भी आज, पिछली बार भी हम टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला लेकिन हम समर्पित कार्यकर्ता थे भाजपा के, हम राष्ट्रवादी नीति वाले, हम भाजपा छोड़ के गए नहीं, भाजपा के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहे, और हमारी संघर्ष की देन है कि लोकसभा में 2019 की लोकसभा में पूरे जिले में सिर्फ मरियाहों की सीट हमने जीता था। देखिए मैं सेवक आदमी हूँ, समाज की सेवा में बहुत मुझे आनंद आता है, पार्टी में बने रहूँगा, लेकिन पार्टी की इस तरह की नीतियाँ जो क्षेत्रीय और जिले की तरफ से होती है, ये नीतियाँ आने वाले भविष्य के लिए पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। आप समर्थन करेंगे जो प्रत्याशी हैं? नहीं, हम उनका समर्थन, डॉक्टर हम कहने की एक कहावत है ना, योगी जी से बैर नहीं, डॉक्टर आर के खैर नहीं। बहुत बड़ी बात है आपने कह दी, तो चलते चलते मरियाहों वासियों के लिए कोई संदेश, और खास करके अपना दल के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो मतदाता हैं मरियाहों विधानसभा के, आपकी तरफ से कोई संदेश हो? भाई ये तो देखो, एक पवित्र इस समय चुनाव तो जब होता है, वोटिंग का समय आता है, तो एक तरह से सबका अधिकार होता है वोट देने का, हम जाके हकीकत लोगों के बीच में बताएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे कि भाई इस तरह की नीतियों से क्या आप लोग संतुष्ट हैं,
और मुझे नहीं लगता कि पूरे मरियाओं की जनता इस बात को लेकर संतुष्ट है। उतापो मची हुई है। आनंद दुबे भाजपा के लिए 5 बार से टिकट मांग रहे थे, कल जैसे ही उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। अब ठाकुर का वोट अपना दल को चाहिए नहीं, ठाकुर को टिकट दिए नहीं, अब तो वहाँ पो की स्थिति तो बनी हुई है। आगे देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसके बाद 2-3 दिन में सब क्लियर हो जाएगा आपके सामने, सारा पिक्चर, सारा व्यू, किस दिशा में यहाँ की जनता किस दिशा में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। ठीक है।